प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर व्यापार मेले का भ्रमण किया। साथ ही ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ग्वालियर के महाराजवाड़ा परिक्षेत्र को पिंक सिटी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 25 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहे ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियों को लेकर भ्रमण किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल और सभापति मनोज तोमर मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने महाराजवाड़े का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला एवं नगर निगम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि महाराजावाड़ा ग्वालियर का हृदय स्थल है और यहाँ का संस्कृति और धरोहर के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाराजवाड़े को पिंक सिटी की तर्ज पर सजाया जाएगा। यहाँ एक जैसी दुकानें बोर्ड एवं एक जैसा रंग होगा जिसकी तस्वीर उदयपुर और जयपुर जैसी रहेगी। आप जानते हैं कांग्रेस हमेशा विकास और प्रगति का विरोध करती है। दो लोगों के नुकसान से जब हजारों लोगों का फायदा हो, ग्वालियर का विकास हो, ग्वालियर की प्रगति हो, तो हमारे लिए वो पहली प्राथमिकता वो है। आपने देखा कई उन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि स्मार्ट सिटी, नगर निगम की सड़कें, ये प्रगति पे है कि नहीं। उसी सड़कों को मैं देखते हुए आया हूँ। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और मैंने निर्देश दिए हैं कि और गति से काम करो, समय अवधि में काम करो। और अभी मैं समीक्षा कर रहा हूँ, जो जो मैंने पिछली बैठक में निर्देश दिए हैं उसको पालन किया कि नहीं किया। अभी मैं बाड़े पर था, बाड़े को मैंने कहा जो ग्वालियर का वैभव है, ग्वालियर का जो एक धरोहर है, उसके अनुरूप उस ग्वालियर के चारों तरफ जो भवन बने उनको एक जैसा बने। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्वालियर व्यापार मेले का भ्रमण किया। साथ ही ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ग्वालियर के महाराजवाड़ा परिक्षेत्र को पिंक सिटी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।